ये है दिल्ली दर्पण। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनावी बिगुल का शंखनाद कर दिया है। 29 अगस्त को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में सुबह 10 बजे से 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से वर्किंग कमेटी ने ये शंखनाद किया। एनसीपी के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में एनसीपी के विधायक और एमएलसी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अधिवेशन में शरद पवार को औपचारिक तौर पर फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 1999 में पार्टी की स्थापना के समय से लगातार शरद पवार अध्यक्ष हैं। वहीं इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वर्ष कई वजहों से महत्वपूर्ण है। ये वर्ष लोकसभा चुनाव की तैयारियों का है। केंद्र से सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का वर्ष है। ये चुनौती को स्वीकार करने का वर्ष है। देश में 4 वर्ष के शासन काल में बुरी तरह से असफल हुआ। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी का दर 2011-12 में 3.8% से बढ़ाकर 5% तक गए। विनिर्माण, व्यापार, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा आवास, रेस्टोरेंट जैसे 8 प्रमुख क्षेत्र में जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक 6,40,000 रोजगार सृजित किए गए। पर देश की विविधता का आदर करना तथा जाति, वर्ग और धर्म पर विचार किए बिना हमारे देश के हर एक नागरिक का सम्मान करना, यह है हमारे लिए धर्मनिरपेक्ष भी एक सरकार राष्ट्रवाद है। एनसीपी के 7वें अधिवेशन के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ दिल्ली से एनसीपी के प्रेसिडेंट रमेश गुप्ता भी शरद पवार और तारिक अनवर से सहमत दिखाई दिए। ये बात सही है, जैसा पवार साहब ने भी अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारा देश एक बहुत संकट से गुजर रहा है, क्योंकि देश के जो चलाने वाले लोग हैं वो देश को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, देश को एक नया एजेंडा देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एजेंडा है सांप्रदायिक एजेंडा, यानी जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया, उस संविधान में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। जो आज प्रस्ताव हमारा इसके अंदर हुआ 7वें अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष जी ने दिया है, वो ये दिया कि बीजेपी की जो नीतियाँ कुरीतियाँ जनता के खिलाफ हो रही हैं, हम लोग सड़कों पे जाएं, किसानों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है और सब गरीब दलितों के लिए तकलीफ़ जो हो रही है, छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, हम लोग सड़क पे उतरे, जन जन लोगों में जाके इस चीज़ का, जन जन लोगों में जाके इस बात का हम पूरी दुनिया के अंदर अपने आने वाले चुनावों के अंदर इनकी कुरीतियों का बखान करेंगे, उनको पर्दाफाश करेंगे। 7वें अधिवेशन के इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मोदी सरकार पर बरसे और पार्टी प्रमुख शरद पवार की तरह सभी का मानना था कि मोदी सरकार को हराना जरूरी है और इसके लिए अगर गठबंधन भी कर लिया जाए तो गलत नहीं। फिलहाल जहां एक तरफ एनसीपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या एनसीपी की सोच बाकी पार्टियों से मेल खाती है या नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए शैलेश और योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर